Good morning, class 6 students. Today we are in our next chapter, chapter number 7. Chapter name is fraction. Today we are going to read about exercise 7.1. So, देखिए fraction. Fraction क्या होता है? किसको fraction बोला जाता है? In our earlier classes, class 4 and 5 में हम लोग already इसको पढ़ लिया है. Fraction किसको बोला जाता है? भाग. Right? Fraction meaning होता है भाग. जैसे ये बोर्ड को अगर बीचों बीच यहाँ मैं एक लाइन खींच दूँ तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों फ्रैक्शन में आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से शेडिंग बनाना और शेडिंग से वो कितना पार्ट था उसको आइडेंटिफाई करना, ये सब आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ लिया है. अभी हम लोग वही कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए पहला 1, 2, 3 क्वेश्चन वही सेम चीज को रिपीट हुआ है. मीन्स उसमें आप लोग जो सीखा था वो प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट को ही रिवाइज किया गया है. तो मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया है. वो क्वेश्चन शायद आप लोग कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो इन्फॉर्म करो मुझे, वो भी मैं आंसर करके बता दूंगी. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, in your exercise 7.1 page number 135, first question is write the fraction representing the shaded portion. तो shaded portion किसको बोला जाता है? जहां में ऐसा shade बनाया होता है उसको बोलते हैं shaded portion. right, अभी बोला है fraction find करो. तो इसमें total कितना भाग था? 1, 2, 3 and 4. इसमें shaded कितना है? तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं total 4. इसमें से shaded कितना है? 2. Unshaded कितना है? Unshaded part 2. ये actually इस तरह से लिखिए total part. ठीक है, total part 4, shaded part 2, unshaded part 2. तो fraction किसका दिया हुआ है? Fraction बोला है shaded portion का. पार्ट के जगह पोर्शन भी लिख सकते हैं. तो हम अभी लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन कितना है? टोटल था 4, उसमें से शेडेड था 2. ये हो गया आंसर. तो देखिए ये हम लोग बचपन में पढ़ लिया है, इसलिए बार बार इसको लिखना जरूरी नहीं है. यू कैन डू योर आंसर इन योर बुक. जस्ट देखिए यहाँ में 4 दिख रहा है, उसमें से 2 शेडेड है, तो यहाँ में लिख सकते हैं 2/4. इतना लिखने से हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 6 में एग्जाम में नहीं आता है, ये छोटा क्लास के लिए है. बट इफ यू फॉरगॉट देन फॉर योर रिमाइंडरिंग अगेन दिस क्वेश्चन आर गिवन हियर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ में है शेडेड पोर्शन, उस टोटल पोर्शन उसमें से 8 है शेडेड पोर्शन. तो फ्रैक्शन क्या होगा? 8/9. तो बाकी देखिए बहुत इजी है, आप लोग जानते हैं, इसको बुक के अंदर ही कर दीजिए, विद इन 2-3 मिनट्स ये हो जाएगा. आप लोग सब जानते हैं इसको. फिर भी नहीं होता है तो कम्युनिकेट कीजिए मेरे साथ, मैं आंसर बता दूंगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन. ये तो बहुत इजी है, कलर करना है. यहाँ में कितना है? 1/6, मींस 6 पार्ट यहाँ में है. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से 1 पार्ट आप कलर कर दीजिए. ठीक है, इस तरह से 1/4 एक पार्ट करिए, 3/4 तीनों पार्ट कीजिए. ठीक है, कलर इफ यू डोंट हैव कलर देन मार्क इट विथ पेंसिल, नो प्रॉब्लम. आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में शायद आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी होता है तो बताइए, वो भी मैं सॉल्यूशन करके दे दूंगी. ठीक है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी. एरर क्या है, नहीं है? देखिए देखिए फ्रैक्शन का मेन कॉन्सेप्ट होता है बीच
वो दो पार्ट होता है तो इस तरह से, चार होता है तो इस तरह से, बीचों बीच होना है, कहीं छोटा कहीं बड़ा नहीं होना है। जैसे आप यहाँ में कर दिया, एक यहाँ में कर दिया, तो ये चार पार्ट ऐसा नहीं है। जैसे आप लोग पिज्जा शेप में देख सकते हैं ना, इक्वली काट के देता है इस तरह से, फ्रैक्शन मतलब इक्वली काटना है, ठीक है। कहीं जगह काटने जैसे नहीं होगा। अगर ये बॉक्स है तो बीचों बीच चार फ्रैक्शन इस तरह से, सिक्स के लिए इस तरह से, ठीक है, एट के लिए इस तरह से, मीनिंग हर एक फ्रैक्शन इक्वल होना है। तो देखिए यहाँ में हर एक फ्रैक्शन इक्वल कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट क्वेश्चन, हर एक पार्ट इक्वल है। नेक्स्ट में देखिए चार पार्ट इक्वल है क्या नहीं है, आप लोगों का बुक्स में देखिए ये दोनों पार्ट बड़ा है, ये दोनों पार्ट छोटा है। तो बोला है दिस इज 1/4, इज इट ट्रू और फॉल्स, दिस इज एरर, ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये चारों पार्ट इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है। यहाँ में भी देखिए जैसे तैसे खींच दिया, इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है, तो दिस टू आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये दोनों एरर है, गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स, एक दिन कितना आवर्स होता है, 24 आवर्स। तो फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स क्या होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल कितना है, टोटल को ऑलवेज डिनोमिनेटर पोजीशन में लिखना है, तो टोटल कितना है 24 आवर्स, उसमें से क्या बोला है 8 आवर्स का फैक्टर्स निकालिए, 8/24, चाहो तो आप इसको काट के भी लिख सकते हो 1/3, ठीक है, ये काटने से भी होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो 8/24 में भी यू कैन स्किप। नेक्स्ट देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट। तो 40 मिनट्स का फ्रैक्शन निकालने दिया है, फ्रैक्शन क्या होगा 40/60, इसको तो कट कर सकते हो, 0 0 काट होगा, क्या निकालता है 4/6, फिर से 2 से काट होगा, 2 से काटो ना से 3, तो 2/3 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आर्या अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच, आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस, 1 made of vegetables एंड 1 of jam, एंड अदर 2 boys forgot टू ब्रिंग their लंच। तीनों आदमी है, तीनों में से आर्या जो है 2 सैंडविच खरीदा है, एक वेजिटेबल से बनाया हुआ, एक जैम से बनाया हुआ, अदर 2 boys वो लोग लंच ब्रिंग करना लेके आना भूल गया, ठीक है। आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव इक्वल शेयर। देखिए फ्रैक्शन में पहले क्या बोला था, इक्वल डेफिनेटली होना है, तो हम आपको बता दिया इक्वल शेयर हर एक को मिलने के लिए, आर्या एग्री हो गया, राजी हो गया, ठीक है। अभी देखेंगे कितना कितना मिलेगा, तो कितना टोटल सैंडविच था, 2 था, राइट। बॉयज कितना है, 3 है, तो क्या कर सकते हैं, 2 सैंडविच है मान लीजिए, यही है, ठीक है। कितना कितना आदमी है, 3 है, आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 3 equal parts, तो एक सैंडविच को तीनों शेप पे कट सकते हैं। तो ये मान लीजिए आर्या लिया, इसको अभिमन्यु लिया, ये विवेक लिया, ठीक है, इसको भी ऐसे तीनों में काट दिया, ये ले लिया, दूसरा इसने, तीसरा इसने, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आंसर, आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच
into 3 equal parts. How can idea divide? इसका आंसर हो गया है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव. अभी कितना कितना मिलेगा देखिए, टोटल पार्ट इसमें से 3 था, उसमें से एक मिला है आर्या को तो 1/3, अभिमन्यु को 1/3, विवेक को भी 1/3, तो योर रिक्वायर्ड आंसर विल बी 1/3. यू कैन राइट व्हाट पार्ट 1/3 पार्ट दे each will get 1/3 करके हर एक को मिलेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. कांचन डाइड ड्रेसेस, कांचन ड्रेस डाई किया है. सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, उसको लड़की को 30 ड्रेसेस ड्राई करना है. सी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, अभी तक उसने 20 कर पाया है. ये तो बहुत इजी है. कांचन हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, उसको 30 ड्रेस डाई करना था, उसमें से उसने 20 कर लिया है. फ्रैक्शन क्या होगा 20/30. अच्छा यहाँ मैं और एक चीज दिमाग में रखिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में ऑलवेज बड़ा वाला आएगा, मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन. इसमें देखिए कभी भी डिनोमिनेटर में छोटा ऐसा नहीं है, ऑलवेज डिनोमिनेटर में बड़ा वाला को ही आएगा. ठीक है, यू कैन कट 0 0 2/3 इज आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 राइट नेचुरल नंबर्स. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 and 9, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक मैंने कर दिया है, दूसरा आपको खुद से करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कर देने से आप लोग सीखोगे नहीं. ठीक है, सो 9 को आप लोग खुद से करिए, नहीं होने से इन्फॉर्म करिए. फर्स्ट ट्राइट राइट द नेचुरल नंबर्स फॉर 2 to 12 में से नेचुरल नंबर्स को पहले लिखते हैं. नेचुरल नंबर्स फॉर 2 to 12 कौन कौन सा है, 2 से शुरू करो बोला है, राइट, तो 2 को भी लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इसमें से बोला है प्राइम नंबर्स फॉर 2 to 12. अभी देखिए इसमें से प्राइम कौन कौन सा है, प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट क्या है, याद करिए जो नंबर वो नंबर 1 and itself डिवाइड होता है, दिस आर प्राइम नंबर्स. तो यहाँ में प्राइम नंबर कौन है 2, 3, 5, 7 and 11, 5, 2, 3, 5, 7, 11. क्या बोला है फ्रैक्शन निकालो, व्हाट आर द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या हुआ, इसमें टोटल कितना था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 था, तो 11 में से 5 निकला है प्राइम. देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल नंबर पहले लिखो वाला है, उसमें से प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करो, नेक्स्ट राइट द फ्रैक्शन, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9 सेम 102 से लेके 113 तक फर्स्ट नेचुरल नंबर लिखिए. नेचुरल नंबर मीन्स हर एक नंबर को लिखना है, आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर एंड फाइंड द फ्रैक्शन. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्किल हैव एक्स इन देम. यहाँ में देखिए एक सर्किल दिया हुआ है, इसमें से चारों के अंदर एक्स दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, टोटल था 8, उसमें से 4 है जो सर्किल क्रॉस करके दिया हुआ है इस तरह से. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11 क्रिस्टीन रिसीव ए सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे. सी बॉट 3 सीडीज एंड रिसीव्ड 5 अदर्स एज गिफ्ट. 3 वो खुद खरीदा है एंड 5 उसको गिफ्ट मिला है. क्या फ्रैक्शन निकालो बोला है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज डिड सी बाय. उसने टोटल का कितना खरीदा था, तो कितना खरीदा था 3, टोटल कितना था 3 + 5 = 8. नेक्स्ट बोला है व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्ट. गिफ्ट कितना मिला था 5.
टोटल कितना था? सेम 8. सो दीज आर द आंसर ऑफ एक्सरसाइज 7.1 फ्रैक्शन. दिस इज वेरी इजी टॉपिक एंड बेसिक कॉन्सेप्ट यू ऑलरेडी नो. सेडेड पोर्शन एंड आइडेंटिफाई द सेडेड आउट ऑफ अनदर टोटल फ्रैक्शन. दिस यू ऑलरेडी नो. न्यू थिंग इज वर्ड्स प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो देखिए जो जो आप सीखा है इसमें से आई होप आप लोगों को समझ में आया है. और दो क्वेश्चन से बचा है इधर में 1 and 2 का रिमेनिंग पोर्शन एंड यहाँ में क्वेश्चन नंबर 9. ट्राई टू डू योर होमवर्क. इफ नॉट पॉसिबल, इफ एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, एनी डाउट, देन डिस्कस विद मी. थैंक यू फॉर दिस क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.